जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी दो नंबरी का काम करके पैसे कमाते थे, मगर जंगल के तमाम परिंदों को कोई खबर नहीं थी कि ये किस तरह पैसे कमाते हैं। इनके पास इतना पैसे थे कि वो बहुत अमीर कहलाए जा सकते थे। इस दफ़ा उन्होंने ट्यूशन का काम शुरू किया था। एक दिन उनकी चिड़िया की बेटी आई और चिड़िया आई ताकि वो ट्यूशन पढ़ सके। उसने कहा, गोरी बहन मेरी बेटी को भी ट्यूशन पढ़ा देना। वो क्या है ना कि उसके इम्तहान आने वाले हैं और मैंने सोचा कि तुमसे पढ़ लेगी तो इसके बहुत अच्छे आ जाएंगे नंबर। और तुम्हारे पास तो बहुत से परिंदे पढ़ते हैं ना, बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, तो तुम बता देना कि कब से तुम शुरू करवा रही हो ट्यूशन। मेरी बेटी को पढ़ा देना, मैं चाहती हूँ कि इसके बहुत अच्छे नंबर आए। अरे इसमें शुरू करने की कौन सी बात है, आप इसको अभी यहाँ छोड़ कर जाएं, मैं इसको पढ़ाना शुरू कर दूँगी। इतनी आसान सी बात है यहाँ पर। वैसे मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटी को पढ़ा तो मैं बहुत अच्छा लूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा ना मुझे फे जो मैं पे लूँगी मुझे बहुत जल्दी चाहिए। एक्चुअली मैं वो बात ये है कि मैं अगर मेरे पास पैसे नहीं होते ना तो मेरा घर का काम नहीं चलता इस वजह से। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्द दे दूँगी, मतलब जितनी फी होगी मैं तुम्हें फुल दे दिया करूँगी, लेकिन मेरी बेटी पर सबसे ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। हाँ हाँ मैं सारे बच्चों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हूँ पढ़ाई में, लेकिन आपकी बेटी पर ज़्यादा तवज्जो दूँगी, बस आप मेरे पैसे जल्दी दे दीजिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद चिड़िया की बेटी उसे छोड़कर चली जाती है। गोरी कौवी उससे कहती है कि बेटा आओ मैं तुम्हें भी तमाम बच्चों के पास ले चलती हूँ जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं, उन्हें तो बहुत मज़ा आता है, उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें भी बहुत मज़ा आएगा। जब वो तमाम बच्चों के पास पहुँचती है तो वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि सब बच्चे पढ़ने के बजाय खेल रहे होते हैं। कोई कुछ खेल रहा होता है तो कोई आपस में लड़ाई का खेल खेल रहे होते हैं। ये सुन देख कर वो कहती है, गोरी आंटी आपने तो कहा था कि यहाँ पर सब पढ़ेंगे मगर यहाँ पे तो सब खेल रहे हैं। हाँ वो क्या है ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई बच्चा जो है वो पढ़े, सब खेलते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तुम भी इनके साथ खेलो, तुम्हें भी बहुत मज़ा आएगा। जी ठीक है मैं देख लेती हूँ, आप मेहरबानी करके थोड़ा सा पढ़ाई का भी। जी हाँ ज़रूर, मगर अभी तुम खेल लो इनके साथ। चिड़िया ने उनको कोई जवाब नहीं दिया, वो फौरन वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। एक महीने तक तो वो सबको ऑब्जर्व भी करती रहती है, मगर गोरी कौवी कुछ भी हो जाए वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाती है। तो चिड़िया की बेटी कहती है कि वो अब अपनी अम्मी को सब कुछ सच बताएगी कि वो तो पढ़ाती ही नहीं है। चिड़िया की बेटी ने कहा कि अगर ये इनके पास ट्यूशन आते रहे तो इनका तो मुस्तकबिल ही ख़राब हो जाएगा और मेरे इम्तहान जो आने वाले हैं वो भी बुरा उनका रिज़ल्ट आएगा। तो वो फौरन जब छुट्टी होती है अपनी अम्मी के पास जाती है और वो उनसे कहती है कि अम्मी जान मैंने उन्हें एक महीने तक देखा है, वो तो बिल्कुल भी किसी को काम नहीं कराती। मैंने उनसे कहा कि आप हमें काम क्यों नहीं करवाती, तो उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि छोटे काम करें, छोटों की उम्र तो खेलने की होती है, तो उन्होंने मुझे कहा कि खेलो, मगर मैंने किसी के साथ भी नहीं खेला क्योंकि मुझे इम्तहान की बहुत ही ज़्यादा फिक्र है। मेरा ख्याल है कि हमें उनको समझाना चाहिए कि ये ट्यूशन जो आपने खोला है और अंदर जाके आप बच्चों को खिलाती हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमें उनको समझाना चाहिए कि ये दो नंबरी का कारोबार करना अच्छी बात नहीं। अम्मी जान मेहरबानी करके आप उन्हें समझाएं ना। हाँ बेटा क्यों नहीं, हम फौरन जाएंगे गोरी कौवी और कालू कौवे के पास और उन्हें समझाएंगे वहाँ। चलो वो फौरन
कालू कौवा और गोरी कौवी के पास जाते हैं और कहती हैं कि गोरी कौवी, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है कि तुम ऐसे करती हो। ये दो नंबरी का कारोबार करके तुम्हें कितना ज़्यादा मज़ा आता है, बच्चों को तुम खिलाती हो पढ़ने के बजाय। अरे बहन, मैंने क्या कर दिया है अब? एक तो मैं तुम्हारे बच्चे को पढ़ा रही हूँ और तुम मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रही हो। ये इल्ज़ाम नहीं सच है, और आज के बाद तुम्हारे ट्यूशन में कोई बच्चा नहीं आएगा, क्योंकि मैं मुस्तकबिल उनका ख़राब नहीं होने दूंगी।